जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। भाई पीने में चाय आ गई मॉर्निंग में, आज चाय पीने का मन था, चाय नमकीन, क्योंकि हमने बहुत दिन से चाय नहीं पी थी। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं, बढ़िया सुबह सुबह चाय पीते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। भाई हमने अपने वायु की पसनी के लिए 116 निकाली थी, तो पापा ने इसको 15 कर दिया है, क्योंकि 15 अगस्त की वजह से मुंबई से जयपुर के लिए टिकट हो नहीं रही है, तो फिर आज की टिकट कर ली तो कल पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग जयपुर खाटू श्याम बाबा मंदिर के लिए निकल रहे हैं। और मम्मी चले वो ले लो चल के, उसके लिए जो तुम पापा ने कहा था चांदी कटोरी चम्मच, चांदी की कटोरी और चम्मच ले लो कौशल वाले का। चले चलो फिर, तो फिर अभी हम लोग मम्मी के साथ जा रहे हैं। चम्मच कटोरी ले लो, और वो लेना सामान है। हाँ सामान लेना। तो चलो फिर रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। के बाबू के लिए चम्मच और कटोरी ले आए कि जो उनके बाबा उनको इससे खीर खिलाएंगे। तो ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपको कल दिखाऊंगा, तो ये सीक्रेट ही रहेगा। और भाई ये ले आए इसकी दूध की बोतल एक, जिसमें इसका दूध ठंडा गर्म गर्म रख देंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा। एक बोतल ये ले आया हूँ। ओ यार वो भूल गए, रुको अभी अच्छा उससे ब्लिंकेट से मंगा लेते हैं ना डाइपर। रुको बाबू के लिए मैनी पोको पैंट्स ले आए, क्योंकि इसके ख़त्म हो गए थे ना, तो इसको भी खरीद लाया हूँ। ये देखो मेरे बाबू जी बैठे हैं। ए, ए, इरो कहाँ घूमने जा रहा है, हमको नहीं बताएगा? इधर देखे ऊपर देखो, कहाँ जा रहे हो? अरे गुरु बने घूम रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो? हैं नीचे मुकुल लग मुझे कहाँ जा रहे हो, गुस्सा हो क्या? अरे हमको नहीं लेगा गाली छे, तुम चलेगा अकेले अकेले अभी, है ना, है ना? हाँ हाँ आई गजब यार, क्या वहाँ गुच्छा क्या पापा छे गुच्छा आ गया है आने के लिए। अन्नू हमारे कपड़े में प्रेस कर रही है कि मेरे कपड़े में प्रेस तो थी नहीं, तो एक जोड़ी शर्ट और पैंट रख लेते हैं, और ज़्यादा की ज़रूरत तो है नहीं। क्यों और ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं ना? आज कौन सा दिन है, सोमवार ना? हाँ और ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, वापस आ जाएंगे। कि दाल चावल आ गया खाने के लिए, जाने से पहले दाल चावल खा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। मेरा दाल चावल सान दो है, ठीक है? सान दो क्या होता, मिला दो। अरे भाई मिला दो, सान दो, सान दो, सान दो। जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, अपना बैग वैग सब रेडी है, बाबू की बोतल दूध की भी रेडी कर दी है, तो सब कुछ हो गया रेडी। अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। तुम नहीं रेडी हुए? सब रेडी हो गए, देखो भाभी भी रेडी हो गए, तुम क्यों नहीं रेडी हुए, हमको ये जवाब दो। मम्मी तुम रेडी हुई कि नहीं? भाई अभी गाड़ी को घुमा के मैं अपने उस वाले घर पे ले जा रहा हूँ, वहाँ पे सारा सामान वगैरह, और मम्मी लोगों को भी ले लूँगा, तो फिर साथ में निकलते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, देखा नहीं गया, देर हो रही है, लेकिन फिर भी लेके आ गया, 5 मिनट लगेगा। फिर यहाँ वॉशिंग में कोई गाड़ी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा तो इसको धुला लूँ फिर निकलता हूँ। सब लोग बैठ गए हैं और अब हम लोग यहाँ से खाटू श्याम के लिए निकल रहे हैं। अभी निकलेंगे तो पापा लोग अभी आ जाएंगे, तो पापा लोग को भी ले लेंगे, तो जयपुर में रुक जाएंगे, फिर जयपुर से मंदिर के लिए जाएंगे। तो ये मेरा बाबू, जय कर दो, जय। तो मम्मी चले, जय खाटू श्याम की, श्याम की जय। ओए कहाँ जा रहे हो, अब तो खीर खाने को मिलेगी मीठी मीठी। कहाँ जा रहा, देखे देखे देखो मम्मा को, ये देखो ये जी क्या चेतानी हो रही है, जी क्या चेतानी हो रही है, बाबा जी मिलेगा, जतिन चाचू जी मिलेगा। भाई यहाँ हादसा हो गया रास्ते में, आप देख सकते हो किस तरीके का हादसा हुआ, गजब यार, ये गाड़ी मूव हो गई है। वरना नहीं आई टेन है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पर ये उस तरफ से आई है यार, फान के मुंह इधर कैसे हो गया, है ना? भाई अभी हम लोग इटावा में रुके हुए हैं और यहाँ पे चाय पानी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि 150 किलोमीटर का सफ़र हो गया था, हल्का हल्की सी नींद वगैरह आ रही थी, तो फिर हम लोग रुक गए हैं और चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं।
भाई पकौड़ी आ गई है, चाय भी आ गई है। लो चाय लो भाभी, चाय लो। हमारे लिए पकौड़ी मंगवाई हमने, मेरे बाबू को भी दे दो मेरे। बाबू अब कल से बाबू सब खाता हुआ आएगा यहाँ पे, है ना? हम तो हाँ, हमारी बात अलग है ना। तो भाई चाय पकौड़े तो खा लिए हैं और अब चलते हैं सीधे, अब कहाँ स्टॉप लेंगे ये बताओ पहले सुन लो। अब जा खाना खाएंगे, काय बजा अभी देखो 7:34 हुआ है, लगभग वही समझो ये कि 9:30 बजे रुकेंगे कहीं भी, है ना? तो आगरा वगैरह तो क्रॉस ही कर लेंगे, है ना? तो वही लगभग रुकेंगे हम लोग भरतपुर के आएंगे, है ना? तो भरतपुर के पास रुकेंगे, तो फिर चल रहे तो लोग खाटू श्याम बाबा की जय। सिग्नल बंद है, अभी मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे खाना खाने के लिए हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद भाई फिर आज के ब्लॉग को यहीं स्टैंड कर रहे हैं, फिर वहाँ मंदिर पहुंच के आप लोगों को अपने वायु की पसनी वगैरह दिखाऊंगा कैसे होती है। तो भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो भाई दिल से एक बार सपोर्ट कर दो आप लोग प्लीज़ भाई, एक लाल बटन दबानी है। तो इसी के साथ दाएं जय श्री राम।